अपना बैग पैक कर लिया मैंने। बहुत जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से। बस का कोई पता नहीं कितने बजे मुझे बस मिलेगी। अभी 4:15 हो गए हैं शाम का टाइम है, तो बस निकलते हैं यहाँ से। बाकी पूरी जर्नी दिखाते हैं आपको। तो भाई मैं खड़ा हूँ अभी यहाँ पे ना, बस का वेट कर रहा हूँ। बस लेंगे हम यहाँ से, ये सामने पे हमारे बाबा बागनाथ जी का मंदिर है यहाँ पे, और हम जाएंगे यहाँ से आगे वाली तरफ को। और मौसम भैया से ऐसा कुछ हो रहा है आज, बादल वाला। अब देखते हैं कितने बजे हम पहुँचते हैं और क्या होता है। बस आ गई सामने से। तो भाई फाइनली मैं पहुंच गया मनाली के बस स्टैंड पे। ये वाली बस जाएगी अपने मनाली ये के लॉन्ग, और ये है मनाली का बस स्टैंड। बस बस चलने वाली है, अब ज़्यादा टाइम नहीं है इनके पास। तो भाई इस वाली बस पे जा रहा हूँ मैं ना, ये 5:30 बजे यहाँ से निकलनी थी, आज बहुत लेट होगी, 1 घंटा लेट है बस। इंडियन ट्रेन के जैसे लेट है ये, पूरी भरी हुई है, कोई जगह नहीं है कहीं पर। तो भाई इस वाली बस पे आया ना मैं, और ये पूरा 1 घंटा लेट थी। अगर ये बस मुझे ना मिलती ना, तो फिर मुझे मनाली से 12-15 किलोमीटर के लिए टैक्सी करनी पड़नी थी, और अभी ना रात होगी। तो भाई फाइनली मनाली के जंगलों में नालों में वहाँ कहीं ऊपर जाऊँगा भाई मैं अभी। क्या ठंडा मौसम है यार यहाँ पे पानी लगा है बहन है तगड़े वाला। भाई मैं जब भी आता हूँ ना, इतना दौड़ते हुए आते हैं ना ये गुस्से में, जब मैं बात करता हूँ। आज मैं थोड़ा लेट जैसे बात की, तब शांत हो गए। कैसे हैं? शाबाश। तो भाई फाइनली हम पहुँच गए। जय जय मामा जी। और मामा जी ठीक है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भाई फाइनली पहुंच गए हम अपने डेरे में, और स्वागत है आपका यहाँ मनाली के इन जंगलों में। अब बैठते हैं थोड़ा सा और फिर बातचीत करते हैं, फिर दिखाते हैं हर चीज थी। नॉलेज था। हाँ जी। ये डोडे निकले कितने का? अच्छा। सजना ने बजोरी खाडा। हाँ हाँ। टीवी कने धोया सारे कपड़े कने कोट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सच लेना है घर। अच्छा। चली जाना पड़ासरा ठंडा पानी। हाँ फिर भी नहीं धोई होने। हाँ जी। मतलब बिपना पलची गिरा साली सुली देख बोले एक और गिरा था लाड़ा बनी कि नहीं अपनी मर्जी। हाँ जी। तो भाई मिली है हमारे छोटे भाई से। छोटे भाई यहाँ पे चपातियाँ बनाने लगे हुए हैं। छोटे भाई बना रहे हैं मस्त चपातियाँ मनाली के ठंडे मेरे घर लो सारे पहाड़ों में। और भाई यहाँ पे ना आग जला के रखी हुई है। मैं यहाँ पे पहुँच के मैंने जैकेट पहन ली, और मिली है हमारे सबसे बुजुर्ग वाले मामा जी से। ये पालमपुर वाले मामा जी ना, पालमपुर वाले मामा जी हैं हमारे सबसे सीनियर मोस्ट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अरे ठीक है तबीयत? ठीक है। उम्र कितनी होगी आपकी? 70 साल। 70 साल होगी भाई। और अभी ना पीछे थोड़े मामा जी बीमार हुए थे, 2 ऑपरेशन हुए उनके इनके, और उसके बाद भी पूरा फिट, मतलब जंगलों में पूरी दौड़ भाग सब करने लगे हुए हैं। तो ये होता है भाई देखो, मतलब जो आपने मेहनत की होती है ना जवानी के टाइम पे, उसकी वजह से बंदे फिट रहते हैं पूरे बढ़िया। अब यहाँ मनाली के जंगलों में अभी पूरा काम धाम करने लगे हुए हैं, चपातियाँ सेकने लगे हुए हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे चिमटे के साथ। ओहो एक चिमटे के लिए बोला है मुझे इन्होंने ना, बोले चिमटा लाना एक, वो चिमटे का ध्यान नहीं रहा यार। तो भाई अभी ना खाना वगैरह सब बन गया, सब्जी वगैरह इन्होंने बना के रख ली हुई, थोड़ा लेट पहुंचा यहाँ पे। और ये चपातियाँ यहाँ पे सब्जी वहाँ पे गर्म करने लगे हैं कुकर के अंदर, और हमारे छोटू भाई यहाँ पे, और ये हमारे पड़ोसी भाई हैं जहाँ पे हमारी ज़मीन है वहीं पे इनकी भी ज़मीन है, जंगल वाली ज़मीन चौकी में उरना में। और ये हमारे मामा जी हैं, वैद मामा जी हैं, कुछ दिन पहले बीमार हो गए थे, अब थोड़े ठीक हैं। तो अभी हम डिनर करेंगे ठंडे मस्त पहाड़ों में, और फिर देखते हैं आगे क्या होता है।
लोन टेस्ट कर बोलो नहीं हुआ कर ये क्या दाव छोटे हाँ जी टेढ़ा करो किसके क्या नहीं नहीं थोड़ा थोड़ा ए पाया मिंजू थोड़ा है ये गलत है दवाई है वाम तो भाई ये मस्त रोटी खाएंगे अभी हम बस सब्जी और ये खाएंगे हम चपाती इस तरफ को हमारे मामा जी भी खाएंगे खाना छोटू भाई भी खाएंगे और यहाँ पे उन्होंने पानी और गिलास रख दिया तो भाई यहाँ पे अपने नोमैडिक शेफ पर लोगों का डेरा ना खाना वगैरह खा लिया हमने अभी खाना खाने लगे हुए हैं और यहाँ पे टेंट वगैरह लगा के रखा हुआ है बड़ा मस्त मौसम है भाई यहाँ पे यहाँ ना ये देखो इनका टेंट लगा हुआ है इस तरफ को सारी इनकी भीड़ बकरियाँ हैं इनकी आँखें चमकने लगी हुई है देखो बीच बीच में और उस तरफ को पारवाल तरफ एक नाला बह रहा है पानी का वो पहाड़ों से आता है ऊपर से सुबह दिखाएँगे अभी तो क्या ही दिखेगा आपको ज्यादा नहीं खाना किया छोटू अभी क्या आई नहीं और एक एक बूंद भी ना खा रोटी वो खा के बाद में रोटी तो वही खाना पीना करने के बाद ना यहाँ पे डिनर हमने कर लिया अब जो सबसे बुजुर्ग वाले मामा जी हमारे ना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो देखो सोने का अपना अरेंजमेंट करने लगे हुए हैं तो सोने का तो भाई इनका जो टैक्ट है ना वो सबसे अच्छा है मतलब बाकी सब लोग नहीं सोते हैं ऐसे जो यहाँ पे भेड़ पालक हैं सिर्फ ये वाले मामा जी हैं ना वो ऐसे सोते हैं देखो जो भी इनके कपड़े हैं ना मतलब जो ब्लैंकेट है उनका बना हुआ और दूसरा ब्लैंकेट और ओढ़ लिया इन्होंने और सोएंगे एक बोरी के ऊपर मामा जी ये इसी बोरी के ऊपर सोना आपने सेला सेला है नहीं हम पोस्ट चकने मेरे घर वाले ये थोड़े ये बड़े बड़े भाई मतलब सच में यार इनका सोने का स्टाइल बड़ा तगड़ा है मेरा ऊपर पूर्ण फिट है हाँ 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 मतलब रात भर भाई देखो ऐसे ही सोएंगे ये तप तपस्या है ये आपने तो मामा अगर तप किया होता ना तपस्या पहाड़ों पे तो वो भी कामयाब हो जानी थी ऐसा कुछ नहीं है तो भाई मैं ना भी बैठ के यहाँ पे मस्त आग सेकने लगा हूँ और इधर हमारे छोटू भाई भी हैं छोटू भाई पानी पीने लगे हुए हैं छोटू भाई भी सोने के लिए जाएंगे कहीं पे और हमारे सबसे जो मोस्ट सीनियर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मामा जी हैं देखो वो सो गए परे दो लोग और थे यहाँ पे वो कहीं वहाँ चले गए ऊपर सोने कहीं जंगल में वहाँ ऊपर सोएंगे और यहाँ पे मेरे लिए छोटू भाई ने बिस्तर कर दिया हुआ है ये मामा जी का बिस्तर है मैं अपना एक छोटा स्लीपिंग बैग लेके आया हूँ पतले वाला ये वाला यूज़ करूँगा बाकी ये भेड़ की ऊन का बना हुआ वो बढ़िया राजी किस लगे दें दे फिर ले हमने तलान से आपको लिए दारू हाँ बड़ा होने पींदा हाँ ले 500 रुपया दिता दे मुझे नहीं यार हाँ जी सब्सक्राइबर मिले थे हाँ जी अरे वाह भाई थैंक यू भाई आप सब लोगों को इतना प्यार देते हैं यार आप ना 500 रुपया देते ले खा पी लेना सब डेरे वालों ने अच्छा तो मैंने लाया फिर डेरे के लिए जैसे तेल खत्म हुआ था तेल हाँ फिर और सामान लिया लिया है मैं अच्छा अच्छा सामान इंदिरा ने अच्छा ये हाँ ये वो जो लोहड़ वाले चीनी अच्छा ये भाई छोटू भाई को ना कहीं पे हमारे मतलब फैमिली के लोग मिल गए यूट्यूब वाली फैमिली जो हमारे है ना सब्सक्राइबर भाई मिल गए तो उन्होंने छोटू भाई को मतलब 500 रुपये दे दिया बोला छोटू भाई आपके लिए हमने बोतल लेके आनी थी तो बोतल तो है नहीं ऐसा ऐसा हुआ ना छोटू भाई तो आपके लिए बोला है 500 रुपये है आपने सब ने मिल के पार्टी कर लेनी तो भाई थैंक यू आपसे लोग इतना प्यार करते हैं आराम है ना कुल्लू में गए हम अच्छा उस दिन आपको किया था मैंने फोन अच्छा 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 हाँ आपके ऑफिस के सामने हम उस दिन गए पुल के जो पुल नहीं है फोर लाइन को लग उस दिन बोले घुसे हम अंदर ढाबे में रोटी खाने के लिए वही मिला हमारे को बंदा तो भाई लो हम देखते हैं उनकी वीडियो में अच्छा 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 वो बंदा कहा है हमारा भाई है पर ऑफिस
बड़े बंदे मिलते हैं भाई छोटे भाई को ऐसे। तो यहाँ सोएंगे भाई, मैं दिखा रहा था मैं आपको, ये ऊन का बना हुआ ये ब्लैंकेट और मिला था याद मुझे। हाँ बड़े बड़े बाल बढ़ा रहे मुनिया सही। हाँ। ये कोई। हाँ। मैं इतना ध्यान। हाँ। छोटू भाई दराजा। हाँ। मैं ध्यान ऐसे देख रहा था। हाँ। भाई आजी भाई लाभ की वीडियो देखता हूँ। हाँ। उन्होंने दूसरो शिव जी का प्रसाद चलाया था मैंने। हाँ। उन्होंने फिर मैं जैसे दो कदम आगे गया। हाँ। बोला भाई भी मेरे को दे दो शिव जी का प्रसाद थोड़ा सा। मैंने लिया इतना सा। मैंने दिया वो मिया को। अच्छा 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 मिया को। मिया को शिव जी की बूटी बूटी। हाँ। इतनी सी थी उन्होंने। हाँ। वाला मिया को दिया नंद कर तू माँ पीछे यार। अच्छा अच्छा केवल मिया है। केवल मिया को दिया मैंने नंद कर तू पी। अभी जो आपका सर घाट छोटू भाई मनाली तक का सब था ठीक रहा? ठीक रहा भाई जी। हाँ बढ़िया रहा है ना। हाँ जी चलो ठीक है छोटू भाई। अब कहाँ सोएंगे आप? मैं सोऊंगा पाली साइड नाला नहीं है। ठंड नहीं होगी? नहीं भाई है बिस्तर बढ़िया मस्त मौसम है आजकल है ना। हाँ जी। तो भाई ऐसा ऐसा माहौल है यहाँ पे। बाकी आप सब इतना प्यार करते हैं और बहुत अच्छा लगता है हमें, मतलब हम ऐसे जंगलों में रहने वाले बंदे हैं और फिर भी आप हमें प्यार करते हैं, तो इसके लिए तो मतलब शुक्रिया भाई आप सबका दिल से धन्यवाद। और आग तो मस्त वाली जल ही रही है यहाँ पे। बाकी आसमान में थोड़े थोड़े बादल आए हैं, मोबाइल नहीं दिखा सकता मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है छोटू भाई गुड नाइट छोटू भाई है ना। सो जाओ आराम से बढ़िया। हाँ सुबह मिलेंगे फिर आराम से जाना। ठीक है गुड नाइट भाई। ओके गुड नाइट। तो हम भी सो जाएंगे भाई, वहाँ पे हमारे बुजुर्ग मामा जी सोएंगे, यहाँ पे मैं सोऊंगा। तो भाई स्वागत है आपका सुबह सुबह ना मनाली के इन खूबसूरत पहाड़ों में, रोहतांग वाले पास वाले पहाड़ों में। और यहाँ पे हम सोए हुए थे रात को, हमने यहाँ पे रात बिताई। यहाँ पे एक देखो यहाँ पे आग बड़ा जली हुई है और छोटू भाई हमारे कब के उठ गए हुए हैं। तो छोटू भाई अपना काम धाम करने लगे हुए हैं। भाई ये नोमैडिक शेफर्ड लोग हैं ना, तो अभी ये आए हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी के सरघाट वाले एरिए से और अभी पहुँच गए हुए हैं मनाली में। तो यहाँ पर भी कुछ टाइम के लिए रुकेंगे और उसके बाद फिर आगे का सफ़र स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे छोटू भाई हैं और ये इनका सारा सामान वगैरह, इस तरफ को डेरा इनका जहाँ पे रुकते हैं उसको डेरा कहते हैं। तो यहाँ पर रुकेंगे 8-10 दिन के लिए और उसके बाद फिर कहीं और अगली जगह के लिए मूव कर देंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। और भाई मैं सोया हुआ था यहाँ पे, मैंने ये कपड़े उड़े हुए थे, ये एक ऊन का बना हुआ ब्लैंकेट है और अंदर मैंने अपना एक छोटा सा स्लीपिंग बैग यूज़ किया। और नीचे भाई इन्होंने मुझे दिया था बिछाने के लिए ये बकरी का एक बालों का बना हुआ सेल्ला कहते हैं इसको, मैट होता है ये भी, ये बिछाया था। तो बस भाई यहाँ सोए हुए थे हम, बहुत मस्त नींद आई। और छोटू भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, कैसे रह रहा छोटू भाई? बहुत बढ़िया रही भाई। मस्त रही? ठंड तो नहीं हुई? नहीं भाई, आप सुनाओ। बढ़िया छोटू भाई मस्त। एक्चुअली भाई ना यहाँ पे ये मनाली वाला एरिया है, रोहतांग के आसपास वाला एरिया है, अटल टनल के आसपास वाला एरिया है, तो यहाँ पे ना ठंड बहुत ज़्यादा है। ये है भाई घुमंतू भेड़ पालक, उस तरफ को इनकी सारी भेड़ बकरियाँ हैं, परे वाली तरफ को ऊपर बाहर जाके टेंट से बाहर जब मैं जाऊँगा भाई तब दिखाऊँगा आपको सब ना।